दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 6 Pro के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। जी हाँ, Redmi Note 6 Pro के हिडन फीचर्स के बारे में, कुछ हिडन फीचर के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। और पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कुछ ऐसे Redmi Note 6 के हिडन फीचर के बारे में। और आज की वीडियो में दोस्तों जो है कमेंट किए थे लोगों ने कि Redmi Note 6 Pro में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएं, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Redmi Note 6 Pro में जो है फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं, यानी कि फिंगरप्रिंट कैसे लगाएं। तो दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं Redmi Note 6 Pro में फिंगरप्रिंट जो है लॉक कैसे लगाते हैं या फिर फिंगरप्रिंट कैसे लगाएं, तो ये वीडियो पूरा कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको Redmi के जुड़े हुए कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ, साथ ही दोस्तों WhatsApp के बारे में भी टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। दोस्तों Redmi Note 6 Pro में जो है फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ पर सेटिंग में। यहाँ पर सेटिंग मिल जाता है, यदि दोस्तों आप जो है यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर ऊपर की तरफ में यहाँ पर सेटिंग मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सीधे आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यदि आप फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको सिस्टम डिवाइस का ऑप्शन मिलता है। सिस्टम डिवाइस में दोस्तों लॉक एंड स्क्रीन एंड पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों Redmi Note 6 Pro में जो है फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ पहले ही मिल जाता है आपको फिंगरप्रिंट, यानी कि सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड फर्स्ट बोल रहा है कि पहले आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको स्क्रीन लॉक सेट करना होगा या फिर पासवर्ड जो है लॉक लगाना होगा। तो यहाँ पर मैंने तो ऑलरेडी जो है पासवर्ड लॉक लगा चुका हूँ, आप भी चाहें तो यहाँ पर जो है स्क्रीन लॉक के लिए यहाँ पर सेट स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है यहाँ से लगा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों लॉक का ऑप्शन भी है, यहाँ पर ये लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन लॉक में कुछ है नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लगा चुका हूँ कि यानी 1212 यहाँ पर मेरा पासवर्ड है और नेक्स्ट करने पर दोस्तों कंफर्म हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी है मेरा स्क्रीन लॉक लगा हुआ है। यदि आप दोस्तों स्क्रीन लॉक आपका नहीं लगा हुआ है तो यहाँ से जाकर आप जो है स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं, या फिर आप बदलना चाहें तो चेंज स्क्रीन लॉक कर सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने स्क्रीन लॉक जो है लगा चुका हूँ। तो चलिए अब दोस्तों हम जान लेते हैं Redmi Note 6 Pro में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएं, यानी कि Redmi Note 6 Pro में फिंगरप्रिंट कैसे लगाएं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर चूँकि मेरा स्क्रीन लॉक लगा हुआ है तो यहाँ पर यहाँ ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोला है कन्फर्म योर पासवर्ड। तो हमें दोस्तों जो भी पिन या पासवर्ड, यदि आप पासवर्ड दिए हैं तो पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा, या फिर दोस्तों यदि आपने पिन दिया है तो पिन टाइप करना होगा। तो मैंने यहाँ पर पिन दिया है तो यहाँ पर मैंने पिन टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक दो मैंने जो है प्रेस कर दिया, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये बोल रहा है कि ऐड योर फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पर दोस्तों ये पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट लॉक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर इसे ऐड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये स्कैन कर रहा है। उसके बाद दोस्तों एक बार और दो तीन बार जो है ऐसे ऐसे आपको कर देना है। तो दो तीन बार दोस्तों यहाँ पर पीछे की तरफ जो है ऐसे ऐसे आपको कर देना, दो तीन बार जैसे जो है टच करेंगे तो ये जो है आपका बोल रहा है कि यहाँ पर मूव योर फिंगर स्लाइडली, यानी कि आपको ऐसे जो है दोनों में ऐसे धीरे धीरे प्रेस करना होगा ताकि अच्छे से जो है कवर कर ले। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लगा दिया हूँ और उसके बाद फिर यहाँ से एक बार मैंने स्क्रॉल कर दिया है, फिर इधर से कर दिया है। तो यहाँ पर तीन बार मैंने कर दिया है और देखिए यहाँ पर कुछ समय लेगा उसके बाद दोस्तों, और यहाँ पर देखिए कुछ समय ले रहा है, फिर से एक बार मैं कर दे रहा हूँ। तो जब तक दोस्तों यहाँ पर लिया नहीं, देखिए यहाँ पर एडिट सक्सेसफुली, तीन चार बार आपको जो है यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल करना होगा। तो यहाँ पर लगाने के बाद डन हो गया और यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, एक फिंगरप्रिंट वन दिखा रहा है, यानी कि फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर मल्टीपल लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऐड फिंगरप्रिंट बोल रहा है। तो यदि आप चाहें तो मान लीजिए मल्टीपल लगा सकते हैं, आपको यहाँ पर दूसरे हाथ का भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने बताया कि Redmi Note 6 Pro में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं या फिर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है और यदि आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो चाहते हैं पाना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि किसी को इस वीडियो को जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।